हमारे साथ में दीपक कुमार गुप्ता जी भी है। दीपक जी नमस्कार। आज हम आए हैं इंडिया आप तक और इंडिया 365 की तरफ से आपको क्रॉस चेक करने के लिए। हम ये आज दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं कि जो दावा आपने किया है कि ये जो आप मीटर देख रहे हैं, जकी भाई पैन करें, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, डिजिटल मीटर है, अगर ये लगाया जाता है तो लोगों के पैसे बच सकते हैं, ऐसा दावा गुप्ता जी ने किया था। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अभी तक के क्या अभ्यास किया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की गरज नहीं होती है, आइए बैठे अपन देखते हैं। बिल्कुल सच कहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। हम जाएंगे, स्वयं रिक्शा में बैठेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन से अंतर पे कितना रुपया किराया होता है। तो यहाँ से ये मीटर ऑन होता है, मीटर स्टार्ट किया गया है। आइए हम बैठते हैं स्वयं रिक्शा में और आज ये प्रैक्टिकल किया जाएगा। अभी खटका उठाया गया है, 16 रुपए से स्टार्ट हुआ है और अंतर के अनुसार डिस्टेंस किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर और वेटिंग भी होता है इसके अंदर, मिनट्स पर मिनट के हिसाब से। जिस तरह से अगर आपका अतिरिक्त समय लगता है, अगर कोई कस्टमर रुक जाता है किसी वजह से, तो उसको कितना रुपया लगता है, इस बात का हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा समय शुरू होता है, हमारी यात्रा शुरू होती है। अब रेलवे स्टेशन से हम निकले हैं, स्वयं दीपक कुमार जी गुप्ता आज हमारे सारथी बने हैं, पूरे नियमों के साथ में वे वाहन चालन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि नेहरू चौक की ओर से आप लिए चले हमें और जलगांव यात्रा करते समय हम ना के सिर्फ रिक्शा किराए, रिक्शा भाड़े के ऊपर बात करेंगे, जलगांव की परिस्थितियों का भी हम समय समय पर आकलन करेंगे। तो देखिए बड़ी प्यारी सड़कें हैं, ऊंची नीची डगरिया है, जलगांव के रास्तों का तो क्या कहना, जलगांव तो अब धुलगांव बन चुका है। हम इस बात की भी बात करेंगे कि वाहन धारकों को किस तरह से कठिनाइयां होती है। अभी हम नेहरू चौक में आ चुके हैं और मीटर बता रहा है 16 रुपए। अभी तक पहला खटका नहीं गिरा है, यानी ये बात होगी कि आप महानगर पालिका 17 मंजिला इमारत पर अगर आते हैं रेलवे स्टेशन से, तो मिनिमम न्यूनतम 16 रुपए आपको किराया लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, वो भी 3 सीट तक के आ सकते हैं, उसके मीटर से 3 सीट तक के ही जा सकते हैं। हाँ। एक साथ में वो 3 सीट का भाड़ा है वो जी। मतलब एक सीट बैठे या 3 सीट बैठे उसके लिए ना 16 ही रुपए लगेगा। ओके, एक व्यक्ति बैठे या तीन, पहले 1.5 किलोमीटर तक के 16 रुपए भाड़ा हुआ है इसका। उसके बाद में प्रति ना हर 100 मीटर के लिए 1.10 रुपए गिरता है मीटर, 1.10 रुपए प्रति किलोमीटर है, प्रति नहीं प्रति 100 मीटर, प्रति 100 मीटर मतलब है ना 11 रुपए किलोमीटर, किलोमीटर से देखा तो 11 रुपए किलोमीटर होता है ये भाड़ा। इसके अनुसार है ना भाड़ा काउंट होता है। और अगर है ना कोई है ना शेयर रिक्शा करके जाता है तो जो मीटर का भाड़ा होता है वो मीटर के भाड़े में है ना, मीटर के भाड़े में 33% ऐड किया तो वो जो भाड़ा आएगा उसमें 3 जनों को डिवाइडेशन करके वो 1 जन का भाड़ा बनेगा। मसला है ना अपन जाते 30 रुपए अगर मीटर का भाड़ा बनता है तो उसमें 9 रुपए 90 पैसे और जोड़। रोकना चाहूंगा आपको, टावर तक हम पहुंच चुके हैं और अभी भी मीटर 16 रुपए शो कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप रेलवे स्टेशन से निकलते हो, 17 मंजिली वाया होकर जाते हो और टावर तक आते हो तो आपको 16 रुपए ही किराया होगा, वो भी 3 लोगों के लिए। एक अच्छी बात बताइए गुप्ता जी ने, हमारी जानकारी में इजाफा किया है कि अगर एक व्यक्ति हो या फिर 3 व्यक्ति किराया उतना ही लगना है। एक दो तीन कितने भी हो, आपने मीटर गिरा जितने व्यक्ति बैठेंगे, अधिकतम 3 व्यक्ति तक के बैठ सकते हैं और उसका भाड़ा है ना वो उच्चतम जो मीटर में आएगा उतना ही रहेगा। ये भी हमें ना जूनियर स्टैंड तक के आ जाए, आप बता सकते हो कि कितना भाड़ा हुआ? ये है पुराना बस स्टैंड या कहे चित्रा चौक परिसर, इस इलाके तक भी अभी तक 16 रुपया ही शो कर रहा है मीटर। दोपहर के समय ट्रैफिक पुलिस बांधो वगैरह तो नदारद है, क्या करे, पुलिस भी तो आखिर इंसान है, पुलिस को भी एक
मानव बल के उनको भी आराम की आवश्यकता होती है, विश्रांति की आवश्यकता होती है। पुलिस दल में भी वैसे कर्मचारियों की थोड़ी कमी बताई जाती है। हाँ जी, ये कोमड़ी बाजार तक के पंकज ऑटो तक के आ गए हुए अभी। कोमड़ी बाजार तक हम आए हैं और अभी भी मीटर शो कर रहा है कोमड़ी बाजार तक 16 रुपया। डिस्टेंस भी वहाँ पे दिखाई देता है कितना डिस्टेंस हुआ है। डिस्टेंस हो गया है 1.4 किलोमीटर। अब हम पहुंच रहे हैं पुष्पलता भंडारे चौक और अब देखिए, अब पहली बार यहां पर किराया बढ़ा है 1 रुपए से 17 रुपए बता रहा है किराया। 1.6 किलोमीटर होने के बाद पहला खटका गिरा है और 17 रुपए किराया हुआ है, जो हम इसको बोलेंगे पुष्पलता भंडारे चौक या फिर भंगार बाजार इलाका। हर 100 मीटर पे अब किराया चेंज होगा, 18 रुपए हो चुका है किराया और अंतर 1.7, 1.8। अब जैसे से अंतर बढ़ेगा, ये है मटन मार्केट इलाका। अब तक 20 रुपए हो चुके हैं। जलगांव की ट्रैफिक को शिस्तबद्ध होने की बहुत आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि हर बार ट्रैफिक पुलिस ही यातायात नियंत्रित करे, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ उत्तरदायित्व, कुछ कर्तव्य हम सामान्य नागरिकों का भी है। यातायात के जो सर्वसामान्य नियम है, बुनियादी नियम है, उनका पालन करना चाहिए। इसी दौरान हम पहुंच गए हैं नेरी नाका चौक, या इसको यहाँ से लग्जरी बसेस भी चला करती है। देखिए किस तरह से बेतरतीब काम चल रहा है, वो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, इस बात का ज्यादा लाभ सर्वसामान्य लोग भी उठा रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो रखा है, बहुत ही कम जगह है यहाँ पर। प्रशासन को चाहिए कि जिसको मराठी में बोलते हैं वाहतुक कुंडी निकालने की आवश्यकता है। इसलिए कई जगहों से अतिक्रमण निकालना होगा, कई जगह से गाड़ियां हटानी होगी, तब रास्ता सुरक्षित रहेगा। नेरी नाके का बनता है किराया मात्र 24 रुपए 3 लोगों के लिए। अंतर है 2 से 2.25 किलोमीटर और अब 25 रुपया हो चुका है। अभी हम शमशान भूमि के निकट पहुंचने वाले हैं। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या समय का कुछ मामला होता है? जैसे लोग बोलते हैं रात का समय तो हम ज्यादा चार्ज करेंगे, रात के 3 बज रहे तो दुगने तिगने। उसी बार होता है कि रिक्शा चालकों को एक तरफ से खाली आना पड़ता है। हाँ। और खाली आने का ये ना पैसेंजर की जिम्मेदारी है कि उसका ना पूरा मूल्य चुका है, इस करके है ना जो है ना देर पर चार्ज रात को मिलता है। मतलब जो खाली आता है बंदा उसका आधा चार्ज इसमें जोड़ा जाता है रात को। ये मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ये ऑटोमेटिक रात में 11 बजे के बाद में टाइमिंग होने के बाद में वो अपना है ना भाड़ा चेंज कर लेता है। उसमें ऐड करने की या कुछ भी घटाने की या बढ़ाने की गरज नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद में अगर है ना कोई पैसेंजर यहाँ एक जगह पे खड़े रहता है तो इसमें खड़े रहने का भी ऑटो रिक्शा चालक को उसको चार्ज मिलता है। अगर एक घंटा रुका रह गया पैसेंजर किसी जगह पर तो ऑटो रिक्शा चालक को 65 रुपए मिलता है। इसी दौरान हम शमशान और कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच आ चुके हैं। जलगांव की एक विशेषता है, जो शमशान घाट है और कब्रिस्तान है, दोनों काफी नजदीक है, जो पूरे देश को संदेश देता है कि हिंदू और मुस्लिम इनकी अंतिम मंजिल जो है कब्रिस्तान और शमशान घाट, ये नजदीक है। ये दर्शाता है कि हम मरने के बाद पड़ोसी बनने वाले हैं, तो हम जीते जी आपस में अच्छे से सौहार्द से क्यों नहीं रह सकते, इसी तरह का संदेश दे रहे हैं। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई शमशान है कब्रिस्तान है तो कोई अदृश्य शक्तियां यहाँ पर काम करती है, लेकिन हमारा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, रोड है, गड्ढे है, ये है। इसी दौरान हम पहुंच रहे हैं अजंता चौक और हम बात कर रहे थे कि एक्सीडेंट ये अदृश्य शक्तियों का काम नहीं है, या तो तांत्रिक ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। राइट हैंड में हम जाएंगे, राइट हैंड पर ये अजंता चौक से राइट हम ले रहे हैं सिग्नल से और हम देख रहे दिखाइए ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं यहाँ पर। ट्रैफिक पुलिस बांधव बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, एक बांधव नियंत्रित कर रहे हैं, कोई अपनी खुशियां लेके जा रहा है शादी में, दिल वाले दुल्हनिया ले जा रहे हैं,
लेकिन सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं और दुल्हन वाले परेशान हो रहे हैं। बेचारा एक अकेला पुलिस क्या क्या करेगा। अजंता चौक के हो चुके हैं 37 रुपए, 37 रुपए और अंतर हुआ है लगभग 3.5 किलोमीटर। अभी तक वेटिंग तो हमने कुछ नहीं किया है, हम निरंतर चले जा रहे हैं राह की बाधाओं को पार करते हुए। 38 रुपए अब तक हो चुका है। होटल मानस है मेरे राइट हैंड पे, होटल मानस तक 38 रुपए रेलवे स्टेशन से। अभी हम यहाँ से राइट लेंगे गुप्ता जी, वो जो वाहन जा रहा है स्पीड ब्रेकर से हम राइट लेंगे यहाँ से। इसको हम कहते हैं लड्डा फार्म हाउस, जो कि हमारे पूर्व महापौर नितिन भाई लड्डा का फार्म हाउस है, जिनके कारण इधर के एरिया के रेट बढ़ गए हैं जमीन के। जाहिर सी बात है लोग सोचते हैं जहाँ पर माजी महापौर रहते हैं काफी महंगा इलाका होगा, लेकिन लोगों की गलतफहमी ये भी हो जाती है कि इलाका महंगा है तो उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा सकता है यहाँ के लोगों से। सीधे चलेगा मीनार रेस्टोरेंट से, लेफ्ट मारना है हमें। अभी तक 41 रुपीज हो चुके हैं और अंतर हुआ है 3.8 किलोमीटर। लेफ्ट लेना है हमें गुप्ता जी, वो जहां से निजाम पहलवान जा रहे हैं वहां से लेफ्ट लेना है हमें। और हम आ चुके हैं हमारे मंजिल के निकट। बस वो जो वाहन खड़ा है मिलिट्री का जो कवर है रंगाड़ी की तरह दिखा दे रहा है, उस वाहन के पास हमें रुकना है। थोड़ा आगे बाइक के पास लीजिए, ओके थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। हाँ। बस 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 रोक दीजिए, देखिए बस रोकने में 1 मीटर में एक मतलब जो 100 मीटर हो गया और 43 रुपया 43 रुपया यहाँ पर हमारा किराया। पर जब ना होने के रुकने के बाद में ना ये वेटिंग है ना यहाँ पर रुक गया हुआ यहाँ पर ये अभी, और इसके बाद में अपने इसको जीरो करना है वापस से, तो ये ना वापस से जीरो हो गया यहाँ पर। ओके देखिए 3.5 किलोमीटर हुआ है, 3.5 किलोमीटर और 43 रुपए। हम चाहेंगे कि आप बाहर आए, हम फिर बाहर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से आज हमने यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, सत्य शोधन कर रहे हैं, जो दावा किया था दीपक कुमार गुप्ता ने वो प्राथमिक रूप से प्रथम चरण में तो भी सकृत दर्शनी, हमको लगता है कि उनका दावा सही सिद्ध हुआ है। ये सालार नगर परिसर है, यहाँ का हमें जो किराया है 150 रुपए कहा गया था, लेकिन प्रैक्टिकली इस डिजिटल मीटर में आप देख सकते हैं कि किराया बना है 43 रुपया 43 रुपीज ओनली। तो हम इस प्रथम चरण में इंडिया अब तक और इंडिया 365 दोनों की तरफ से। इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैं ही पूछना चाहूंगा कि आपने आपका एक अनुभव, आपने बताया कि 150 रुपए मांगा गया था, अभी ये देखने के बाद में आपको क्या महसूस होता है कि जलगांव में मीटर की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल, हमने पाया है कि गुप्ता जी ने जो दावा किया है तथ्यों के आधार पर, एक तांत्रिक करामत के आधार पर इन्होंने दावा किया था कि अगर मीटर लगता है तो पैसा कम लगेगा, कहां 150 रुपए और कहां ये 44 रुपए। अगर आप रात के समय भी आते हैं तो रात का अगर आपने इसका 150 रुपए पकड़ा तो ज्यादा से ज्यादा रात के अंदर है ना, रात में 12 से 5 के बीच में भी अभी आए तो 70 रुपए के लगभग भाड़ा बनेगा। यानी देखिए डे टाइम में 3 गुना पैसा कम लगा है, और इवन अगर हम नाइट चार्जेस भी अगर पकड़ ले उस बात को भी समझ ले तो भी जो किराया है फिर भी आधा ही लगेगा। 150 रुपए बोला गया था तो रात का आप भी समझ लीजिए कि कितना लगे। जनरली मेरे पास में कंप्लेंट आती है कि रात में ना अजंता चौपड़ी का 200 और 250 रुपए मांगा जाता है जी। तो हम जो है जलगांव के जो नागरिक है, जलगांव का प्रशासन है, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसपी महोदय हो, चाहे आरटीओ महोदय हो, या फिर ट्रैफिक यातायात विभाग, सभी को हम कहना चाहते हैं कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग हमने किया है, आप चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं। और किसी को दुखाने या किसी को सताने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य था सिर्फ सत्य को सामने लाना। जो हमने पाया है कि दीपक कुमार गुप्ता का तथ्य यहाँ पर जो दावा सही सिद्ध हुआ, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही में प्रशासन से मांग करते हैं कि जो एक सनक्षीर मार्ग से शांततामय ढंग से दीपक कुमार गुप्ता मांग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर की, उसको लगाया जाना चाहिए, इस बात की हिमायत, इस बात की पुष्टि हम भी करते हैं। गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये 16 रुपए है मेरे, और प्रशासन से मैंने ये मांगनी की है कि इसे थोड़ा और बढ़ा के दिया, जो पेट्रोल ये जो है ना मीटर थे लगे हुए थे जो है ना दर तय किया हुआ है वो 2 साल पहले किया हुआ है, 2 साल में और आज के रेट में पेट्रोल रेट में थोड़े बढ़े हुए हैं, तो वो बढ़ा हुआ भी रेट
ऑटो रिक्शा चालकों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बढ़ावा आरटीए जो प्राधिकरण मीटिंग होती है, प्रादेशिक प्राधिकरण समिति होती है आरटीओ की, तो उसके अंदर बढ़ाने के लिए भी मैंने लेटर दिया हुआ है कि आप इनको थोड़ा इससे बढ़ा के, तो आने वाले समय में आपको हो सकता है कि जो आज को 43 रुपए लगे हुए वो 50 से 52 रुपए भी लग सकते हैं आपको उसमें बढ़ाने के बाद। जी, एक बहुत अच्छी बात बोली है गुप्ता जी ने और मानवीय बात की है उन्होंने कि जो रिक्शा चालक बांधव है, हमने पहले भी बताया आपको कि हम या गुप्ता जी रिक्शा चालकों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात बोली है कि जो फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके भाव थोड़े बढ़ गए हैं 2 साल पहले की तुलना में, तो उन जो रिक्शा चालक बांधव उनको भी दिलासा मिलना चाहिए और आज के समय अनुसार उसी अनुपात में, उसी रेशो में ये किराया भाड़ा जो है होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ तक हमारा पहला चरण संपन्न होता है, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप लोग इंडिया अब तक देखते रहिए, इंडिया 365 देखते रहिए। दूसरे चरण में हम जो दूसरा दावा है गुप्ता जी का, या जिस तरह से दूसरे चरण में हम ये चेक करेंगे कि हमारे आनंद शर्मा इंडिया अब तक के है, उनको भी है ना 150 रुपए है ना उनके है ना आरएल चौपली तक के सुबह के 6 बजे 150 रुपए अकेले पर्सन को मांगा गया हुआ था उनसे, तो हम है ना उनके घर से दूसरे चरण में हम ये करना चाह रहे हैं कि ना अभी हम यहाँ पर अजंता चौपली पर है, तो हम उनके घर पे जाके जो आरएल चौपली से लेकर रेलवे स्टेशन तक के कितना भाड़ा होता है ये हम दूसरे चरण में हमें आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद दर्शकों, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ में बने हैं, बने रहिए। हमारे सहयोगी जकी अहमद के साथ में अयाज मोहसिन, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता के साथ इंडिया आप तक एवं इंडिया 365 के लिए। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजे रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वासी परंपरा है।